हेलो एवरीवन यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज दिनांक 26 ग्यारह 2022 को कॉलेज कैडर म्यूज़िक वोकल का जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया है शिमला के विभिन्न जो है सेंटर में 26 ग्यारह 2022 को तीन से जो है पाँच बजे तक ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है म्यूज़िक वोकल का कॉलेज कैडर इसका जो ग्रामर हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर जी के एच नेशनल जी और इंटरनेशनल जी जो इसमें पूछा गया था वो प्रश्न मैं आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ यदि आप इससे पहले के कॉलेज कैडर के पेपर के पी चाहते हैं या आप उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं हैं या इको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा जहाँ से आप जो है पेपर प्राप्त कर सकते हैं यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहें और साथ ही आप वीडियो को दूसरे जो एस्पेरेंट से जो तैयारियां कर रहे हैं उन, उन तक भी जरूर पहुँचाएं ताकि उनकी तैयारियां भी अच्छी हो तो चलिए देखते हैं किस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे गए थे आज जो म्यूजिक वोकल का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया तो सबसे पहले जो है इंग्लिश सेक्शन से हमारे पास प्रश्न पूछा गया था सबसे पहला प्रश्न इंग्लिश सेक्शन से पूछा गया था चूज द ऑप्शन विच कैरीज सिमिलर मीनिंग टू द गिवन सेंटेंस ठीक है तो आपको जो यह सेंटेंस दिया था और उसमें आपने बताना था कि सिमिलर मीनिंग वाला और सेंटेंस कौन सा है और सेंटेंस था आपके पास उत्तरा इज सेट टू बी एन ऑनेस्ट ऑफिसर तो चार ऑप्शन चार आपके पास थे दे एन्क्वायर्ड अबाउट उत्तर द ऑनेस्टी पीपल से दैट उत्तरा इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर एन ऑफिसर टोल्ड उत्तरा टू बी ऑनेस्ट उतरा फाउंड द ऑफिसर टू बी ऑनेस्ट दो इन चार में से एक आंसर इसका यहां पर होना था सेवेंटी टू नंबर प्रश्न जो पूछा गया था इसमें वो पूछा गया था चूज द करेक्ट सेंटेंस आपको सेंटेंसेस दिए गए थे चार और इनमें से आपने करेक्ट सेंटेंस चूज करना था पहला सेंटेंस दिया गया था ही हैव बीन वीक इन मैथमेटिक्स इन द दिग्निंग बी पूछा गया था व्हाट टाइम यू विल रीच एट होम इन द इवनिंग सी पूछा गया था हर्ष हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस डे बिफोर यस्टरडे और डी में पूछा गया था विल नॉट यू कम टू माई वर्थ डे पार्टी ठीक है सेवेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन पूछा गया था चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द तो इनडायरेक्ट आपने जो है फॉलोइंग में से चूज करना था और एक्सप्रेशन uh, था मॉम सेड टू गायत्री डिड यू कॉल गौरी और ए आंसर दिया गया था मॉम आस्क्ड गायत्री वेदर शी हैड कॉल्ड गौरी मॉम आस्क्ड गायत्री दैट शी हैड कॉल्ड गौरी मॉम आस्क्ड गायत्री वेदर शी डिड कॉल गौरी और मॉम आस्क्ड गायत्री टू कॉल गौरी तो इन चार में से आपने बताना था सेवेंटी नंबर जो प्रश्न पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर जो है म्यूजिक वोकल दो चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन आई स्टडी डैश डैश संस्कृत एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आई स्टडी या इसमें डी आएगा इनमें से आपने बताना था इसके अलावा सेवेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन आई एम रीडिंग दिस बुक आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक आई स्टार्टेड रीडिंग इट एट नाइन

चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स तो ऑप्शन प्रश्न पूछा गया था इट्स ए वंडरफुल बुक

क्यू में दिया गया था डिफेक्टेड एनिमीज बर ए आर में दिया गया था एज क्रिमिनल फॉर हैविंग और एस में दिया गया था जनरली पुट टू दैट और टी में दिया गया था इन रोमन एम्पायर और आपके पास ऑप्शन थी पी एस क्यू आर टी और आपके पास एस क्यू टी आर पी और पी एस टी आर क्यू टी क्यू आर एस पी ये आपके पास जो है ऑप्शन दिए गए थे अब हमारे पास शुरू हो रहा है हिंदी सेक्शन हिंदी सेक्शन में जो आपके पास हिंदी सेक्शन में जो आपके पास, पास प्रश्न पूछा गया है प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का विकल्प चुने तो शुद्ध शब्द जो है क्या कवियत्री शुद्ध शब्द शुद शुद है क्या कवि क्या क्या से आपने बताना है इस वाक्य में द्वार द्वार निम्नलिखित में से कारक के किस भेद का उदाहरण है तो यहां पर क्या यह संप्रदान जो है भेद का उदाहरण है क्या यह आपादान भेद का उदाहरण है क्या ये अधिकरण है क्या ये कर्म जो है भेद का उदाहरण है इनमें से आपने बताना था 80 नंबर प्रश्न पूछा गया था वह नौकर आज नहीं आएगा रेखांकित पद में निम्नलिखित में से क्या है क्या ये पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्या ये सार्वनामिक सर्वनाम है क्या ये संबद्धवाचक सर्वनाम है इनमें से आपने बताना था इसके अलावा एटी नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे कि तुम ही तो मेरे तुम ही तो हो मेरे रक्षक रेखांकित पद निम्नलिखित में से क्या है क्या ये बलदायक निपात है क्या ये बलाघात है क्या ये अनुतान है क्या ये व्याधिकरण समुचय है अवेव है अवेव है है ठीक नंबर प्रश्न यहाँ पर, पर हमसे पूछा गया था कि शिक्षक छात्रों को अंग्रेजी पढ़ा रही थी इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद क्या है क्या ये एक क्रिया है क्या ये द्विकर्मक क्रिया है क्या ये नाम धातु है क्या ये अकर्मक है। इसके अलावा 83 प्रश्न जो पूछा गया था शताब्दी किस समास का उदाहरण है क्या ये तत्पुरुष समास है क्या ये कर्मधारय समास है क्या ये द्विगु समास है क्या ये अवैभा समास बताना था इसके अलावा एटी नंबर प्रश्न पूछा गया था किस अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ देता है किस अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ देता है क्या यह उपमा अलंकार है क्या यह सलेष अलंकार है क्या यह रूपक अलंकार है क्या ये मानवीकरण है यह आपने बताना था ठीक है इसके अलावा 85 फाइव नंबर प्रश्न पूछा गया था अब जो है हम हिमाचल प्रदेश एच पी की तरफ आ रहे हैं एचपी जीके के प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो पहला प्रश्न पूछा गया था हिमाचल प्रदेश में नीमन में से किस जिले में सर झील जो है स्थित है विच ऑफ द हिमाचल प्रदेश, सर तो प्रदेश में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई हॉस्टलों की सही संख्या की पहचान में से क्या है तो काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई हॉस्टलों की संख्या क्या ये पांच है क्या ये सात है या आठ है या छः है इनमें से आपने बताना था कि इनमें से राइट जो है संख्या कौन सी है इसके अलावा वर्ष 2020-21 में प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2020-21 में भारत के नेमन में से किस राज्य का सामान्य जो है जी डी नॉमिनल जी हिमाचल प्रदेश से कम था क्या ये छत्तीसगढ़ का जीडीपी हिमाचल प्रदेश से कम था क्या बिहार का कम था या त्रिपुरा का कम था या तेलंगाना का कम था यह प्रश्न आपसे पूछा गया था इसके अलावा एटी एट नंबर प्रश्न इसमें पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक वोकल में हिमाचल प्रदेश बजट वर्ष 2022 23 के अनुसार बागवानी इत्यादि को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी क्या यह 11 करोड़ रुपए हैं क्या यह 15 करोड़ रुपए हैं बागवानी के लिए क्या यह 9 करोड़ रुपए हैं या 18 करोड़ रुपए हैं ठीक है इसके अलावा 89 नंबर प्रश्न पूछा गया था हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा कितने नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है डी एडिक्शन डि, सेंटर्स कितने चलाए जा रहे हैं क्या ये सात हैं क्या ये दो हैं या ये पाँच है या ये इलेवन है, है इनमें से आपने बताना था इसके अलावा नाइन्टी नंबर प्रश्न वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावों में शिमला जिले के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या की पहचान नीमन में से कीजिए तो वर्ष दो में विधानसभा के चुनावों में शिमला जिले के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितने थी क्या ये पंद्रह थी क्या ये दस थी आठ थी या पांच थी इनमें से आपने बताना था दो में जो विधानसभा की चुनाव हुए हैं इसके अलावा 91 नंबर प्रश्न पूछा गया था चंबा राज्य के किस राजा के समय में राज्य का जो स... जो साम्राज्यिक डाक प्रणाली का के साथ जो है सीधा संपर्क स्थापित किया गया है क्या ये राजा भूरी सिंह थे क्या ये टिका जो है राम सिंह थे या ये श्याम सिंह थे या ये श्री सिंह थे जिनके समय में राज्य का साम्राज्यिक जो है डाक प्रणाली के साथ सीधा स... जो है संपर्क स्थापित किया गया इसके अलावा नाइन्टी नंबर प्रश्न जो है पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में युलवा नृत्य जो है प्रदेश युलवा डांस इज परफॉर्म क्या युलवा डांस चंबा में होता है क्या सिरमौर में होता है किन्नौर में होता है या मंडी में होता है यह आपसे प्रश्न पूछा गया था इसके अलावा 93 नंबर प्रश्न पूछा गया था भारत की जनगणना भारत की दो दो हज़ार ग्यारह की जनगणना की पहचान निम्न में से कीजिए यह पंद्रहवीं जनगणना थी यह अठारहवीं जनगणना थी यह बारहवीं जनगणना थी यह ग्यारहवीं जनगणना थी इनमें से आपने बताना था कि ये कौन सी जनगणना थी इसके अलावा जो है यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है ठीक है ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पर लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है पूछा गया है कि भारतीय संविधान के नियमन में से किस संशोधन द्वारा पिछड़ी श्रेणियों के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की व्याख्या की गई है क्या पूछा गया है भारतीय संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो पिछड़ी श्रेणियों के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की व्यवस्था की है क्या ये जो है सौवा जो है हंडरथ जो है संवैधानिक संशोधन था क्या ये एक सौ एकवा जो है संवैधानिक संशोधन था क्या ये एक सौ दोवा संवैधानिक संशोधन था या क्या ये एक सौ पांचवा संवैधानिक संशोधन था ठीक है इसके अलावा जो अगला प्रश्न पूछा गया है नाइन्टी फाइव नंबर नीमन कलाकारों में से प्रसिद्ध कथक कौन सा कलाकार है अर्थात नीमन कलाकारों में से प्रसिद्ध कथक जो है कलाकार कौन सा है क्या ये लीला जो है यहाँ पर दुर्गा दास है धीरेन्द्र नाथ पटनायक है निर्मला मेहता है या लीला जो है यहाँ पर ये क्लियर नहीं है लीला जो है सक्सेना है ठीक है तो इन चार में से आपने बताना था इसके अलावा 96 नंबर प्रश्न पूछा गया था बिजडन क्रिकेटर क्रिकेटर 2022 के संस्करण में नीमन में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम पांच विश्व खिलाड़ियों में दिया गया है तो बिजडन क्रिकेटर 2020 के संस्करण में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम जिन पांच खिलाड़ियों में क्या ये जसप्रीत बुमराह है क्या ये रविचंद्रन ईश्विन है क्या ये ईशांत शर्मा है या ये सूर्य कुमार यादव है इनमें से आपने बताना था इसके अलावा नाइन्टी नंबर प्रश्न पूछा गया

विश्व के अजूबों में से एक टेराकोटा में में से किस देश में है? क्या ये इजिप्ट में है? क्या ये टर्की में है क्या चाइना में है या फ्रांस में है या आपने बताना था इन चारों में से कहाँ है तो यह पूछे गए थे प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर जो है म्यूजिक वोकल में तो आप अपनी तैयारियां अच्छे से करें ऑल द बेस्ट सभी लोगों को